नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का डिजिटल चैनल और मैं हूं रीमा पराशर। आज बात हो रही है CWC की, यानी कि कांग्रेस की। बात सिर्फ धारा 370 की अब तक चल रही थी और लगातार ये बात सुर्खियों में थी कि किस तरह से सरकार कश्मीर मुद्दा, जो इतने सालों से विवादित होता चला जा रहा था, धीरे धीरे अब उसको सॉल्व करने के लिए काम कर रही है। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस को लेकर हलचलें तेज़ हुई और इस बात को लेकर आशंका जताई जाने लगी और इस बात को लेकर उम्मीद भी जताई जाने लगी कि क्या इस बार कांग्रेस में CWC अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि चुनाव खत्म हुए भी अब लगभग 2 महीने हो गए हैं। सरकार नए नए फैसले ले रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपने अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पा रही है। तो आज जब CWC की बैठक हुई तो वो भी बड़ी दिलचस्प हुई। पहले सोनिया गांधी कहती हैं कि वो और राहुल गांधी अपने आप को नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग रखेंगे, और उसके बाद बाहर ये बयान आता है कि 5 जोन में कांग्रेस के नेताओं को बांटा गया है और ये तय करेंगे कि किस जोन का अध्यक्ष अब पार्टी को ला पाएगा आगे। लेकिन इसी बीच दिलचस्प बात ये भी आती है कि CWC के बाहर एक बार फिर से कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने इस बात के नारे लगते हैं और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी एक बार कांग्रेस पार्टी की कमान संभाले इस बात को लेकर प्रियंका के पक्ष में नारे लगते हैं। ये बात भी यहाँ पर काबिले गौर है कि जब जब कांग्रेस में इस तरह के बदलाव की बात हुई है तब तब कांग्रेस टूटी है। इससे पहले कांग्रेस टूटी है और इस बार भी इस तरह से कांग्रेस बिखराव के कगार पर है कि लगातार नए नए बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से छिटक कर BJP कैंप में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस शायद बहुत सीरियसली, जैसे उसने चुनाव को नहीं लिया वैसे ही अब अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस में गंभीरता से कोई विचार नहीं हो पा रहा है, या फिर कि यूं कहें कि पार्टी के नेता खुद ही गांधी सरनेम से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। हम आपको ये यहाँ पर ज़रूर बता दें कि CWC में आखिर फैसला होता कैसे है और CWC आखिर कैसे डिसाइड करती है कि उसका अध्यक्ष चुना जाए। ये भी यहां पर बात हम बता दें कि अब तक ये माना गया है कि 1950 के बाद से सिर्फ 2 बार गंभीरता से CWC के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और कमेटी का चुनाव हुआ है, और दोनों ही बारी दिलचस्प बात ये भी थी कि नॉन गांधी यानी गांधी परिवार से बाहर के, पहली बार PV नरसिम्हा राव और दूसरी बार सीताराम केसरी, इन दोनों ने ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चयन किया था। और इसीलिए ये बात भी हमेशा से मानी जाती रही कि CWC में जो सदस्य बनते हैं उन पर जो वर्चस्व होता है वो अध्यक्ष का होता है, यानी अध्यक्ष अपनी पसंद के मेंबर्स को चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो वो जो सदस्य हैं उसके फेवर में आकर के बात करेंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये भी बात सोचने वाली है कि क्या अगर गांधी परिवार से हटकर नेता चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, और जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम रहता है और प्रियंका गांधी अभी भी CWC की जो बैठक हुई उसमें बैठी हुई नज़र आती हैं, तो क्या गांधी परिवार का वर्चस्व अब नहीं रहेगा? और क्या जिस तरह से BJP की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार ये आरोप इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान लगाए जाते रहे कि गांधी परिवार से निकल कर कांग्रेस का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कांग्रेस इस बात को झुठलाएगी, तो ये अब इस बार देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि क्या आखिर CWC का अधिकार होगा या फिर कि फिर एक बार गांधी परिवार का ही वर्चस्व कांग्रेस को आगे लेकर जाएगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।